नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, पटवारी भर्ती 2019 को लेकर चार बहुत ही बड़ी खबर आ गई है। पहली खबर कि पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। दूसरी बड़ी खबर कि पटवारी में प्री और मेन दो एग्जाम न होकर अब केवल एक ही एग्जाम करवाया जाएगा और प्री एग्जाम आपके हटा दिया जाएगा और केवल मेन एग्जाम ही आपके करवाया जाएगा और उसी मेन एग्जाम के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी और आपका एक ही एग्जाम से सिलेक्शन किया जाएगा। तीसरी बड़ी न्यूज कि पटवारी मेन एग्जाम का सिलेबस वही रहेगा जो सिलेबस आपके पहले था, लेकिन मैथ के सिलेबस में थोड़ा चेंज जरूर होगा। और चौथी बड़ी खबर है पटवारी भर्ती के एग्जाम को लेकर कि इसका एग्जाम कब करवाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रत्येक खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे आप जरूर दबा लीजिए ताकि पटवारी भर्ती से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो उसकी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे विभिन्न सब्सक्राइबर्स के आग्रह पर हमने स्पेशल पटवारी भर्ती 2019 के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिस पर हम पटवारी भर्ती से संबंधित लेटेस्ट न्यूज, नोट्स और मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस YouTube चैनल पर 15 मॉडल पेपर पटवारी भर्ती को लेकर आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, इसलिए आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उनमें वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो राजस्थान के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल जो सोशल मीडिया अपडेट्स के अनुसार जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन अगस्त के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा और जब अगस्त के प्रथम सप्ताह में पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए मिनिमम एक माह का समय दिया जाएगा, यानी कि आपके आवेदन सितंबर माह तक चलेंगे और इसके बाद पटवारी भर्ती के एग्जाम के लिए आपको कम से कम 90 दिन का समय दिया जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि दिसंबर माह में पटवारी भर्ती का एग्जाम आपके हो सकता है। लेकिन जनवरी 2020 में पंचायती राज के चुनाव होने से आचार संहिता लगने के कारण दिसंबर 2019 में एग्जाम करवाना संभव नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में फिर आपके पटवारी एग्जाम फरवरी 2020 में आयोजित करवाया जाएगा। और दोस्तों, यह हमने आपको पहले बता दिया है कि इस बार आपके पटवारी भर्ती में एक ही एग्जाम करवाया जाएगा, प्री एग्जाम को हटाकर केवल मेन एग्जाम करवाया जाएगा और मेन एग्जाम का सिलेबस आपके वही रहेगा जो सिलेबस आपके पहले था। केवल मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक्स को जोड़ा जाएगा, यानी जैसा कि आपके मैथ्स का सिलेबस आपके एलडीसी 2018 भर्ती में था वैसा ही सिलेबस आपके पटवारी भर्ती 2019 में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पटवारी भर्ती का मुख्य एग्जाम का सिलेबस है और यही आपके रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, गणित, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी। इसमें आपको जो सामान्य हिंदी है वो आपके 12वीं लेवल की होती है और इस बार भी आपके वही रहेगी। कंप्यूटर भी आपके 12वीं लेवल तक के इसमें प्रश्न आते हैं सामान्य कंप्यूटर के, कंप्यूटर का सिलेबस भी आपके वही रहेगा और सामान्य ज्ञान का सिलेबस भी आपके वही रहेगा। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भारत व राजस्थान का संविधान और राजस्थान का भूगोल। इसके बाद जो आपका गणित का सिलेबस है ये भी आपके यही रहेगा, केवल इसमें कुछ टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे जैसा कि आपके एलडीसी 2018 में मैथ्स का सिलेबस है। पूरा पेपर आपके 300 अंक का होगा, 150 प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। साथ ही कुछ बच्चों का डाउट्स हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि गणित के अंदर यहाँ केवल गणित ही है, रीजनिंग का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों, पूरा सिलेबस आपके वही रहने वाला है केवल गणित के सिलेबस को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों पटवारी भर्ती पहले आपके 12वीं लेवल पर होती थी लेकिन इस बार यह आपके ग्रेजुएशन लेवल पर कर दी गई है। और पटवारी भर्ती को ग्रेजुएशन लेवल पर करना अनिवार्य भी था क्योंकि पटवारी भर्ती में जब ग्रेड पे बढ़ानी पड़ी थी तो इसकी योग्यता भी बढ़ाना आवश्यक था, साथ में इसमें उच्च पदों पर प्रमोशन के विकल्प भी जोड़े गए हैं, इसलिए भी इसकी योग्यता में बदलाव अनिवार्य था। तो यहाँ पर हमने फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पटवारी भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट्स रह गया हो तो आप हमें निसंकोच रूप से कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।